नमस्कार, जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बिजनौर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में जा गिरी। कार सवार 5 दोस्तों में से एक ने तैर कर अपनी जान बचा ली, जबकि 4 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश पुलिस और गोताखोर कर रहे हैं। सभी लोग देहरादून के पौड़ी शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। पुलिस ने लोगों की मदद से कार को बाहर निकाल लिया है। जनपद बिजनौर थाना मंडावली क्षेत्र चंदक हेड पर एक गंग नहर में आज सवेरे एक गाड़ी पेड़ से टकराकर पानी में गिर गई। गाड़ी में 5 सवार थे, एक व्यक्ति तैरकर बाहर निकल आया है, 4 अभी लापता हैं। हमारी पुलिस टीम और गोताखोर उनको ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। ये 5 पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए देहरादून से पौड़ी गढ़वाल जा रहे थे। वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। मौके पर क्रेन भी है, एम्बुलेंस बुलवा ली गई है, पुलिस टीम अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। बिहार के सारण में यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया के मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मुरारी सिंह सहित तमाम गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी मुख्य अतिथियों का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। मुरारी सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यूथ थिंक ऑफ न्यू इंडिया कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। अध्यक्ष अमित कुमार ने सभी मुख्य अतिथियों का पौधा देकर स्वागत किया। किसान इकाई के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कृषि से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने कहा कि हर रविवार पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के ग्राम पथरगुआ में दबंग हावी है। यहाँ जिला सहकारी समिति प्रबंधन और विक्रेता परशुराम अवस्थी अनाज का वितरण कर रहे थे। इस समय दबंग अनाज की बोरियां लेकर जाने लगे। समिति के प्रबंधक और विक्रेता ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने इनकी धुनाई करते हुए कट्टे से हवाई फायर कर दिया। इस घटना का वीडियो समिति प्रबंधक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद FIR दर्ज करवाने थाने पहुंच गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद ब्लॉक के सभी सेल्समैन और जिला अध्यक्ष थाने पहुंचे। इसके 12 घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं किसी साथ सहकारी समिति जिला में समिति प्रबंधक पद पर पदस्थ हूँ। वहाँ मैं और मेरा विक्रेता वितरण कर रहा था। कुछ ही समय विजय सिंह और रमेश साहू दोनों आए संस्था पर और गेहूँ की एक बोरी मांगने लगे। गेहूँ की बोरी मांगने पर जब विक्रेता द्वारा और मेरे द्वारा मना किया गया, तब उनके द्वारा गाली गलौज की गई और मारपीट भी की गई लात घूंसों से। इसके बाद हवाई फेर करते हुए जान से मारने की धमकी एवं गाली गलौज करते हुए दूसरा फेर करते हुए चले गए। हमको कल इन्होंने फ़ोन पर बताया कि हमारे साथ मारपीट की है और हवाई फायर किया है। वीडियो भी मेरे पास पहुंचा था। मैंने कहा है कि इनसे कहा कि आप कार्रवाई करें। जिस थाने का इनकी कोई FIR नहीं हुई तो हम लोगों को पता लगा, तो आज हम लोगों ने कुडिया थाने में आकर थाना प्रभारी के समक्ष आवेदन दिया। उन्होंने FIR की, समुचित कार्रवाई हो गई। हम लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि आज ही हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। बाराबंकी के जिलाधिकारी पराली जलाने को लेकर बेहद गंभीर हो गए हैं। DM ने टीम गठित करते हुए पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। टीमों को निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करें। DM ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श कुमार ने कहा कि बिना रीपर के कंबाइन का प्रयोग करने वाले मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने और वायु प्रदूषित करने वाले अन्य कारकों पर प्रभावी नियंत्रण के सभी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक बाराबंकी में पराली जलाने वाले 51 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। किसानों पर 2,17,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। साथ ही 5 किसानों पर FIR भी दर्ज की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में और हमारे प्रदेश में और ख़ासतौर से जो दिल्ली NCR है, उसमें जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है और हर स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि इससे निपटने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी, NGT द्वारा भी इसमें आदेश दिए जा रहे हैं कि हर जगह इसमें प्रयास किया जाए कि पराली जलाने की जो एक प्रथा है उस पर प्रभावी रोक लग सके। हमारे जनपद में भी पिछले कुछ दिनों में लगभग 51 ऐसे लोगों पर जुर्माने हम लोग ने ठोके हैं, लगभग 2,17,000 के, जिन्होंने पराली जलाने का प्रयास किया है। और यही नहीं, 5 लोगों पर FIR भी हुई है।
188, 278, 290, 291 जो धाराएं होती हैं आईपीसी, उसके अंतर्गत 5 लोगों पर एफआईआर भी हुई है। जो नियम है वो आप सब जानते हैं कि अगर 2 एकड़ से कम की ज़मीन है जिस किसान के पास, उसके द्वारा अगर जलाया जाता है पराली तो 2,500 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर 2 से 5 एकड़ के बीच में है ज़मीन तो लगभग 5,000 का जुर्माना लगता है, और अगर 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है और लगाया भी गया है। तो मेरी यही अपील है अपने सभी कृषक भाइयों से कि इस कुप्रथा से बचें, क्योंकि इससे ना केवल जुर्माना लगता है, ना केवल इससे वायु प्रदूषण होता है, बल्कि इस पराली का प्रयोग हम लोग अगर हम खेत में ही आने वाली अगली फसल से पहले इसका प्रयोग कर लें तो पौष्टिक आहार के रूप में ये सिद्ध होगा अगली फसल के लिए। और इसी वजह से शायद शासन द्वारा भी ये निर्देश दिया गया है कि कंबाइन के साथ जो है हार्वेस्टर के साथ जो रीपर कंबाइंडर भी लगाया जाए ताकि नीचे से फसल काटी जाए, कम से कम उसका अवशेष बचे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।